नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रामनवमी के बाद से और उसके पहले से भी अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की एक पूरी कहानी इस देश में चल रही है। काशी धर्मनगरी, अब कहा जा रहा है कि अजान चुकी लाउडस्पीकर पर बजता है, हनुमान चालीसा भी हम 5 बार बजाएंगे लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। दूसरी तरफ अलीगढ़ में भी यही किया जाएगा, चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा की शुरुआत हो रही है। क्या ये दोनों मजहबों के बीच में खाई पैदा करने की कवायद है, या फिर अगर लाउडस्पीकर वहां बजेगा तो यहां बजेगा वाला न्याय है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये भी आपको बता दें, अमरावती से इंडिपेंडेंट सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर कर भी दिया है। दूसरी तरफ आप सुन रहे लगातार राज ठाकरे को, एमएनएस के नेता, जो चुनौती दे रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाओ, वरना हम हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के आगे। क्या देश को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए आजकल तमाम पार्टियां यही कर रही हैं? क्या सबको लत लग गई है कि अब यही धर्म की राजनीति की राह पर चलकर सत्ता हासिल करना या बरकरार रख पाना मुमकिन होगा? इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ जनता का स्वागत, क्योंकि यहां पर मौजूद लोग आज सवाल तालियों के साथ आप अपना स्वागत कर लीजिए। जो खास मेहमान है, गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस नेता के तौर पर पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। संजय गुप्ता जी, नेता शिवसेना के आए हैं आज चर्चा के लिए, तालियों के साथ। हाजी खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अब निजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे चर्चा में, आरएसएस के जानकार के तौर पर, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे बवाल सड़कों पर उतर रहा है लाउडस्पीकर को लेकर, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। काशी में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, छत पर भी हनुमान जी की भक्ति की जा रही है। ये पूरी कवायद लाउडस्पीकरों से होने वाली अजान के खिलाफ एक अभियान है। दावा ये कि अजान नहीं रुकेगी तो हनुमान चालीसा की गूंज शहर के हर चौराहे पर होगी। जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे। और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा, ये 2 टाइम बजेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज तो अब बहुत अच्छा हम लोगों ने किया, सुबह हम लोगों ने जब बजाया तो उन्होंने अपना स्पीकर धीरे कर लिया। तो अगर वो चेत जाएंगे और वो अच्छे से करेंगे तो हम लोग को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे। उधर अलीगढ़ में एबीवीपी के छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत दी जाए। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउडस्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा, और फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। उत्तर प्रदेश से पहले अजान का विरोध महाराष्ट्र में हुआ। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया और फिर उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त सेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सत्ता में काबिज शिवसेना पर निशाना साध लिया। शिवसेना खुद का हिंदुत्व भूल गई है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व को बाजू में रखे। जो बाला साहब की पूरी जिंदगी गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध करने में, उस पार्टी के साथ जाके बैठे सत्ता में, तो उनको जगा करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद अमरावती की सांसद ने भी अजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बहरहाल महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद रमजान के महीने में उत्तर प्रदेश पहुंच गया और सियासत बढ़ गई। देश में सभी धर्म के लोगों का अपना अपना पूजन पाठ करने का अधिकार है, और निश्चित तौर से अगर अजान भी चल रहा है तो हनुमान चालीसा भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। वो चाहते नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, वो चाहते नहीं है कि जिस तरह की यहाँ पे समाज के अंदर में माहौल है आज की डेट में, उस पर चर्चा हो। इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं।
अजान को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो विपक्ष अजान को धर्म का संदेश बता रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है आवाज होती है, जो दूसरों का निंद हराम करते वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर पर वो ये समझते हैं कि वो इबादत है और वो प्रार्थना है, उसमें लोग ईश्वर को अल्लाह को याद करते हैं पुकार करके, तो इनके पास समझ नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट है कि भाई समय हो गया है, आप मस्जिद में आओ। एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। और लोग धर्म पे तो सबको चलना चाहिए, अब वो क्या चाहते हैं, धर्म पे ना चले, अधर्म पे चले। लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अब बवाल बढ़ने लगा है। अभी मामला महाराष्ट्र और यूपी में है, देखना होगा कि चुनावी राज्यों में विवाद की एंट्री कब होती है। आज तक ब्यूरो। एक शुरुआती सवाल लेने के बाद जनता जो यहां पर मौजूद है वो सवाल पूछेगी। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मुस्कुराने की वजह जनता खोज रही है महंगाई बेरोजगारी से निजात पाने की, और यहां पर लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, क्या इसी में अब इस देश को आप लोग झोंक रहे हैं या आरोप आपकी पार्टी आपकी सरकार पर लगता है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, आप तो आरोप जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि जनता बार बार आशीर्वाद देती चली जाती है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, और ये दिखाता है कि जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी में है। और बड़े गर्व से एक बात मैं कह देता हूँ, अच्छा क्या है आपने पूछा, अच्छा ये है कि हिंदू सहिष्णु है, अच्छा ये है कि हम पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन एक चीज समझिए, क्या रामनवमी का जुलूस जो है, शोभा यात्रा, अगर भारत में नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी? और ये जो कहा जाता है मुस्लिम बहुल इलाका, तो क्या ये चाहते हैं कि भैया मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, रुको रुको रुको, पहले वीजा लो, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मस्जिद आ गई है, रुक जाओ? ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होगा। जैसे यहां पे रामनवमी बनती है वैसे ईद बनती है। और मुझे दुख होता है कि इतना सहिष्णु होने के बाद भी आप आरोप ये लगाते हैं कि देखिए इन्होंने ये गलत कर दिया, मुसलमान जो है वो खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में केवल एक ही पार्टी है और हम सब जानते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, जहां युवराज 40 चुनाव हरा चुका है लेकिन तब भी हटाया नहीं जाता, खतरे में केवल वही पार्टी है। गुप्ता साहब, आपके पास आते हुए बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक क्लाउड स्पीकर पे अजान नहीं बजेगा, किसी भी धर्म का कोई भी स्पीकर नहीं बजेगा, फिर इसकी इजाजत महाराष्ट्र में क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं उतारते हैं स्पीकर, लाउड स्पीकर? देखिए, इसके लिए किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है कि जिस वक्त जो गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय की है उसी को महाराष्ट्र सरकार भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और यही बात अभी शरद पवार जी ने भी कहा है कि जो बात राज ठाकरे जी ने कही है कि अजान पर जो टाइमिंग है इसको इस तरह से होना चाहिए, और जो लाउड स्पीकर है उस पर जो उन्होंने सुझाव दिए उस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विचार करेंगे, मगर कितने साल विचार करेंगे? अच्छा, विचार कैसे करते हैं ऐसे बैठ के? अभी तो एक बार ही सत्ता मिली है, अभी तो एक दो बार और लेनी है तो वोट चाहिए। तो मुझे आप एक बात ये बताइए, आप कि जब इसी अजान की आवाज जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भाषण दे रहे होते हैं तब सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं, और जब तक अजान खत्म नहीं हो जाती चुप होने के बाद, फिर उसके बाद अपना भाषण देते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश में तो आप लोग प्रधानमंत्री से इतने प्रभावित हो गए, वाह। अभी एक चीज अभी मेरा पूरा पॉइंट होने दीजिए, आप बीच में डॉक्टर नहीं आती हो, साथ क्यों छोड़ दिया? मोदी मोदी करेंगे लेकिन सत्ता मिलेगी तो किसी से हाथ मिलाएंगे। अभी मेरा पूरा पॉइंट होने दीजिए इसी पर, पूरा अभी अभी इसी पर, अभी अभी दो दिन पहले ही या एक दो दिन पहले ही अभी अजान की जब आवाज आई लाउड स्पीकर से तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बृजेश पाठक जी अपना भाषण दे रहे थे, और भाषण देते जब अजान की आवाज आई तो उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया, और उसके बाद बीजेपी ने उसकी बहुत तारीफ की कि कितना अच्छा किया, तब ये बात इन्होंने नहीं कही कि अभी अजान लाउड स्पीकर से आवाज कैसे आई। मतलब जिन स्टेटों के अंदर इनकी सरकार नहीं है वहां इनको लाउड स्पीकरों की आवाज आती है, जहां पर इनकी सरकार है वहां इनको आवाज नहीं आती, तब क्यों इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज कैसे आई? ये आपका जवाब है कि बीजेपी कर रही है इसलिए हम स्पीकर नहीं हटा रहे?
देखिए कानून एक अलग चीज है, कानून क्या है? कानून एक अलग चीज है, अलग चीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर। कानून अलग चीज है, ये जवाब है आपका। मैं तो जवाब समझ, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर उनका क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हाँ अच्छा, लेकिन ये भेदभाव पूर्ण, लेकिन मोदी जी चूंकि अजान पर चुप हो जाते हैं इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, मतलब अभी की बात समझ रही हूँ सर, और आप लोग कंफ्यूज हुए कि नहीं इनके जवाब, मुझे कंफ्यूज कर रही है। आपका जवाब क्या था? मुझे आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। आप कंफ्यूज आपने कर दिया सर, बच्चों से पूछ रहे हैं। मैं उत्तर दे सकता हूँ। आप मुस्कुराते अच्छा है, जवाब नहीं दे पा रहे। कंफ्यूज जवाब, जवाब दीजिए ना सर, क्योंकि मोदी जी अजान पर चुप हो गए थे इसलिए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम चुप हो गए इसलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्या कि अजान पर, अजान की आवाज जो लाउड स्पीकर से, अजान की आवाज जब इनके किसी स्टेट के अंदर आती है, जहाँ इनकी सरकार है या केंद्र में है, वहां तो ये उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी और स्टेट में इनको आवाज आ जाती है जहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहां कहते हैं आवाज कैसे आ गई। आप मुझे बताइए पक्षपात। मैं कुछ कह सकता हूँ, कानून का क्या होगा? कानून तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसका, कानून अलग चीज है। कानून से क्या लेना देना? कानून वोट से लेना देना है। तो एक आखिरी बार कोशिश कीजिए सर, टेक फोर जवाब दीजिए। मतलब क्या, किस तरह से आपका सवाल दोबारा पूछिए? आप उनको सियासी जमीन दे रहे हैं, भूल गए। अगर लाउडस्पीकर, अगर लाउडस्पीकर पर कोर्ट नहीं कह दिया है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा, तो आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? क्यों इनको मौका देते हैं कि अपना लेकर फिर पॉलिटिक्स करें? तो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात तो हमने कही है, कहा होगी, इम्प्लीमेंट होगा, होगा इसके लिए कह दिया। और यही पहले कहना था, कब होगा सर? विचार कर रहे हैं, आपने कहा कि आप विचार कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आपने कहा ना सर विचार कर रहे हैं। विचार जैसे सरकार करती है वैसे किया जाएगा। अच्छा, कैसे करती है? जैसे सरकार विचार करती है। आप लोग जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते? सरकार कैसे विचार करती है? सरकार के पास जब भी कोई बात आती है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाता है, इसके लिए कैबिनेट, इसके लिए। आचार्य जी आप भी गंभीरता से विचार करिए जरा, कुछ बोलिए। आपकी तो गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, क्यों सियासी जमीन देनी है, क्यों ऐसा मौका देना है? देखिए अंजना जी, जहां तक धर्म का प्रश्न है और धार्मिक रीति रिवाजों का प्रश्न है, तो धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है वो है पीस, शांति। अगर आपके पास शोहरत है, दौलत है, ताकत है और शांति नहीं है, तो फिर ये सब कुछ बेकार है। तो अगर किसी भी रिचुअल से हमारे देश के अंदर किसी की शांति भंग हो रही है, तो उन रिचुअल्स को बदल देना धर्म है। जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनमें परिवर्तन करना धर्म है। इसलिए आज ये जो मुद्दा उठा है कि भाई अजान मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, मंदिरों पर जो भजन बहुत तेज आवाजों में गाए जाते हैं इनको रोक दिया जाए, अगर देश की जनता को उनसे प्रॉब्लम है तो उसे हटाया जा सकता है। और मैं इस पक्ष में हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि नफरत करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि हिंसा करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है झूठ बोलो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि किसी के दिल को दुखाओ, कोई धर्म ये नहीं बताता किसी की भावनाओं पर कब्जा करो। हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का सम्मान हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे के अकीदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि सरकारों का ये दायित्व बनता है, सरकारों का ये फर्ज बनता है। दंगा अगर राजस्थान में होता है, दंगा अगर मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, हमारी सरकार के रूलिंग स्टेट में होता है, या गौरव भाटिया जी की रूलिंग स्टेट में होता है, तो दंगा दंगा है। दंगा में जो मर रहा है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है, वो हिंदुस्तानी है। इसलिए जो भी मरे उसका दर्द होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? अभी शिवसेना के प्रवक्ता से आप बात कर रही थी, वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले इंसान है, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप जैसी निर्भीक पत्रकार के माध्यम से गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देश आपके हाथ में है। क्या रामनवमी के जुलूस 2014 से पहले नहीं निकलते थे? क्या जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तो क्या रामनवमी नहीं मनाई जाती थी?
क्या इस देश में रामलीलाएं नहीं होती थी? इस देश के अंदर रामलीला भी होती थी, रामनवमी का जुलूस भी होता था, और ये वो देश है अंजना जी जहां रामनवमी के जुलूस में मुसलमान शामिल होते थे, और ये वो देश है जहां हिंदू अलम उठाया करते थे। आखिर ऐसा इस देश में हो क्या गया? हिंदू मुसलमान में निवेदन करना चाहता हूं अंजना जी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को। अब निकेश अवस्थी जी जवाब दीजिए, बांटने की पॉलिटिक्स करिए, शुरुआती कमेंट लेते फिर आपके सवाल। अंजना जी मैं प्रमोद जी को याद दिला दूं, 2014 से पहले जो ऑफिशियल आंकड़े हैं 47 से लेकर के और 47 के विभाजन के बीच का, आपको याद होगी धर्म के आधार पर कत्लेआम हुआ और करोड़ों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गए, लाखों लोगों की हत्या हुई सिर्फ धर्म के आधार पर। तब भी रामनवमी मनती रही होगी ना, तो तब रामनवमी के बिना भी कत्लेआम हुआ, 55,000 दंगे हुए, कोई मुहर्रम का लखनऊ में ऐसा ताजिया नहीं निकलता था जब दंगा ना होता हो, जब दंगा ना होता। ऐसा नहीं 2014 के पश्चात, ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से देख लीजिए। आपको लगता है, आपको कभी लगा, आपको पिछले 7-8 सालों में अलीगढ़ में कभी कर्फ्यू याद आया? कभी आपको मेरठ में, बलियाना में, अहमदाबाद में जो विश्व का सबसे लंबा दंगा था 1969 का, सबसे लंबा दंगा था, शायद साल भर तक चला था वो अभी कभी आपने सुना? मध्य प्रदेश में क्यों हो गया? कर्फ्यू लगा, शिवराज जी की सरकार में क्यों हो गया? मैं खरगोन क्यों हो गया? मैं आ रहा हूँ ना उस पर, वैलिड क्वेश्चन, मैं सिर्फ आ रहा हूँ उसी पर कि आप एक बताइए कि रामनवमी का जुलूस पहले भी निकलता था मस्जिदों की छतों पर, अगर पत्थर और ईंट और पेट्रोल बम इकट्ठे नहीं होते थे तो वो किसने, सरकार ने वहां पर डाल दिए? नहीं, पर सरकार की फेलियर है ना, कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, बाद में बुलडोजर चलाएंगे? नहीं, लेकिन उससे पत्थर मारने वाले बच जाएंगे क्या? क्यों नहीं है? उससे पत्थर मारने वाले ईमानदार हो जाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं होंगे, तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अपराधी तो अपराधी रहेगा ना, अभी तो आप सीना ठोक रहे थे ना सर, अभी आप सीना ठोक रहे थे, शिवम की हालत, अभी आप सीना ठोक रहे थे, क्या आप सीना ठोक रहे थे कि एक भी उसके बाद दंगा नहीं हुआ? तो आप बताइए ना फिर मध्य प्रदेश में क्यों हुआ खरगोन, गुजरात में साबरकांठा आनंद क्यों हुआ? देखिए ना फिर बताइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, अच्छा एक स्टेट देखिए, एक बार बंद करिए, यूपी देखना, एमपी नहीं देखना, आप बताइए ना वहाँ के आंकड़े। हाजी खान साहब देखिए मैडम, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान में 30 साल मैंने राम नवमी की यात्रा में शिरकत की फिरोजाबाद शहर में, वहाँ की रामलीला जो है ना वो मिर्जा खैराती बेग ने दी है हिंदुओं को, वहाँ का एसआर के डिग्री कॉलेज दिया है मिर्जा इस्लाम साहब ने, ये जमीन पहले थी प्यार और मोहब्बत, और इस मोहब्बत और प्यार में पिछले 8 साल से आप बताएं या ये बताएं कि पिछले 8 साल से कौन सा ईद मिलन, कौन होली मिलन, कौन दीपावली मिलन, कौन जो है क्या कहते हैं ईद मिलन हुआ है? ये इनकी बात नफरत, मैं ये कहूंगा जो घटनाएं घटी हैं पिछले रामनवमी पर, रामनवमी पे जो घटनाएं घटी हैं, मैंने जितना देखा सोशल मीडिया पर नीचे से ऊपर तक, हाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि गाली दी जा रही है मुसलमानों को, प्रवोक किया जा रहा है मुसलमानों को, तलवार चलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, और झंडा तो मकानों को आग लगा देंगे, दुकानों को आग लगा देंगे, मुसलमानों को आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? यही मुजरिम, यही कातिल, यही मुंसिब, यही होगा इस देश में। बात यह है पत्थर फेंकना जुर्म है, लेकिन उनको प्रवोक करना वो भी जुर्म है, सजा उनको मिल रही, हाथ से इतने ज्यादा है जब से आए हैं भारतीय जनता पार्टी, जब से सरकार, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब तो देने की कोशिश कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब तो तब चलेगी ना जब आप दूसरे धर्म को भी, हिंदू, एक सेकेंड, रामनवमी को मुस्लिम कॉलोनी से नहीं जाने देना नहीं, है पश्चिम बंगाल में, आपको पता है क्यों हिंसा हुई? आज भी निकले, अरे सुनिए तो सर, पश्चिम बंगाल में आपको पता है क्यों हिंसा हुई? क्योंकि अचानक रूट बदल दिया पुलिस ने कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां से नहीं जाने देंगे शोभा यात्रा, आप दूसरी तरफ से जाइए, और जब बैरिकेड तोड़कर वहां पर जाने लगे वो कि हमारा जो तय रूट है उसी से जाएंगे, तो बवाल हो गया। ये डर क्यों हो, ये डर क्यों हो? ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी की वजह से हुआ, हमारी वजह से तो नहीं हुआ कि मुसलमानों ने रोक पर दिया। ये डर क्यों है, पत्थरबाजी क्यों ऐसे इलाकों में ही हो रही है? डर फैलाया जा रहा है देश में, ये हमारे नौजवान जो पत्थरबाजी तो इनके सामने, आप पत्थरबाजी पर जवाब नहीं दे रहे होते, पत्थर फेंकना जुर्म है, पत्थर इकट्ठे क्यों होते हैं बोलनी चाहिए, छतों पर मस्को प्रवोक ईंट और पत्थर इकट्ठे करके क्यों बोलने दीजिए? मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाला मुसलमान, मकान जलने वाला मुसलमान, और अदालत में वो उसको बंद भी किया जा रहा है, उसके घर भी गिराए जा रहे हैं, 5 लाख कश्मीरी मुसलमान, संविधान है भारत का जो किसी का मकान गिराने की इजाजत दे रहा है? ठीक है, जवाब आप गौरव जी आप दीजिए, चाहता हूं उनसे, एक मिनट, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है,
हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के ये सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, कमीन लोग करते हैं देश को बांटने की बात, इस देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की बात। एकता हम हमारा लहू और आप लहू का रंग गहरा और पत्थरबाजी रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नहीं कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई पे तो आप गुस्सा रहे हैं? नहीं हम नहीं गुस्सा रहे, कोई नहीं कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पे। करौली में आपको पता है किसके घर जले? करौली में आपको पता है बेकसूर को फंसाएंगे? करौली में आपको पता है राजस्थान में किसके घर जले? वहाँ पर क्या दुकानें कैसेट पे बज रहा था बताएं, दिखाएं आप, दिखाएं, दिखा रहे हैं हम आज तक, पर दिखा रहे हैं लगातार, कल से दिखा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सोशल मीडिया मत देखिए, आप फेक न्यूज ज्यादा देख रहे हैं आज तक, देखिए सोशल मीडिया, हमने वीडियो दिखाई, फेक न्यूज मत देखिए, वो एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक पर है जिस गाने की वजह से वहां पर बवाल हुआ है, हमने कल भी दिखाया है और हर रोज दिखा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देश का माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा, उत्तर देना चाहता हूँ। तीन लोगों ने आरोप लगाए, सबसे पहले आपने पूछा कि मस्जिद पे भगवा लग गया, ये आरोप है, तो पत्थर चलाना कैसे सही हो गया? आप सोचिए, कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, कत्लेआम हुआ, हत्याएं हुई, किसी ने AK-56 नहीं उठाई, किसी ने पत्थर नहीं मारे, उनसे ही सीख लीजिएगा, वो भी भारतीय हैं, पहली बात। दूसरी बात करौली की करते हैं, करौली में अंजना जी हर कोई भारतीय पूछ रहा है, मतलूब अहमद का महबूब कौन, कौन है महबूब मतलूब का? आज 12 दिन हो गए मतलूब अहमद अरेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह मालूम है, मतलूब एक मुसलमान है, मुसलमान को अरेस्ट करेंगे तो मुस्लिम पार्टी के राहुल गांधी का वोट जो है वो खिसक जाएगा, इसलिए नहीं अरेस्ट करेंगे। दूसरी बात, वहां ट्रैफिक पुलिस बनी हुई थी, पुलिस आपने देखा जब पत्थरबाजी हो गई तो वहां पुलिस कह रही है बेटे आपने अपना काम कर दिया, अब आगे जाना 100 मीटर बाद राइट लेना, उसके बाद फिर लेफ्ट लेना, कांग्रेस हेडक्वार्टर आएगा वहां छुप जाना, हम वहां नहीं आएंगे। ये हालत है राजस्थान करौली में, सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? और हां आचार्य जी, आपने कहा 2014 से पहले क्या होता था, 2014 से पहले बाटला हाउस, सोनिया गांधी जी रो रही थी राहुल तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए, क्योंकि क्योंकि वो मुसलमान थे, आतंकी थे, शहादत दी मोहन चंद शर्मा ने, उसके लिए नहीं रोई थी। 2014 से पहले यासीन मलिक प्रधानमंत्री आवास जाता था और बताता था मनमोहन सिंह जी कश्मीर ऐसे चलेगा, आज जेल की सलाखों के पीछे है, 2014 के बाद ये बदला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने बार बार कहा मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसका क्या, अंजना जी बिल्कुल सही बात है कि पैमाना एक होगा, कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहा था प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया बिहार की तस्वीर लगा के, क्या राजस्थान करौली में किसी भाजपा नेता ने किया था? ये फर्क देखिए। और दूसरी तरफ मतलूब अहमद का महबूब अभी भी चुप है, कार्रवाई नहीं हुई, वहां बुलडोजर चल रहा है और इन्होंने पत्थर की ताकत दिखाई, पत्थर मार के तो हमने वर्दी का रसूख, कानून की ताकत दिखाई बुलडोजर चला के, ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में, इतना जरूर कहूंगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, फिर हम यहाँ के सवाल लेंगे। इस पर तो सवाल बनता है ना, जो शूटआउट हुआ था उसमें मोहन चंद शर्मा की शहादत को ही सवालों के घेरे में खुद सोनिया गांधी ने खड़ा किया था, इसमें क्या गलत है? मैं आपके सवाल को नमन करता हूं, सरकार ये चला रहे हैं और सवाल हमसे बनता है, राजस्थान में भी बन रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, आप तब ठीक है, अच्छा भाजपा आने वाली है तब ठीक है, धन्यवाद, अच्छा राजस्थान में हम चला रहे, ठीक है, विक्टिम कार्ड मत खेलिए गुरु जी। अब मैं अंजना जी, मैं सुन रहा था जब ये प्रवचन कर रहे थे, अब मेरी बात को भी सुन लीजिएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये सुनेंगे नहीं, बीच में टोकाटाकी करेंगे, क्योंकि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। अंजना जी राजस्थान में अगर दंगा होता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राजस्थान में अगर दंगा होता है, करौली में अगर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर दंगा होता है, गुजरात के अंदर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है, राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की है, अरे सरकार आप चला रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की साहब मतलूब और महबूब फेक ट्वीट क्यों कर दिया सर? सुनिए, दिग्विजय सिंह जी ने फेक ट्वीट किया, फेक फोटो पोस्ट की, उसको हटा दिया, माफी मांगी,
माफी मांगी की जानबूझ के किया उन्होंने। अरे आपने आपने चीन के हवाई अड्डे का फोटो छाप दिया, आपने माफी मांगी? अच्छा, अरे उसे दंगे भर के हवाई अड्डा दिखा दिया आपने? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने माफी मांगी? झूठ बोलने की आपने आपने अपनी महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बना दिया, माफी मांगी? माफी मांगी आपने? गांधी पैदा होता है, ये हालत है इनका। आप इस देश के सोनिया गांधी रोती आतंकवादियों के लिए, जो सुने आपकी आप हमारे सुनिए। थोड़ा टेबल अलग करना पड़ेगा, टेबल अलग करना पड़ेगा। आपने क्या कहा था? बोलने दीजिए गौरव जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज प्लीज सर, मैं सुनूंगा। हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब का मौका दूंगा। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, मैं बुलाऊंगी जल्दी से। सवाल इसका है कि देश ने कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता चलाने का मौका दिया, आज देश 8 साल से आपके हाथ में है। मुझे एक जवाब दीजिएगा, इस देश पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, कंधार छोड़ने आपकी सरकार गई, आप देशभक्त हो गए और इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस मिट्टी पे गिरा, शहादत हुई और कांग्रेस देशद्रोही हो गई। अरे आपने आतंकवादियों को शहीद कहने वाली महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बनाया, आप देशभक्त हो गए। और सुनिए सुनिए सुनो, कसाब को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, पार्लियामेंट पे संसद पे जो हमला हुआ, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया, और आपने जब महबूबा फूफी आपकी मुख्यमंत्री थी तो आपने पत्थरबाजों को 9000 से ज्यादा पत्थरबाजों को छोड़ने का काम किया। और आखिर में कहना चाहता हूं अंजना जी, इस देश को बचाओ। सवाल कश्मीरी ब्राह्मणों का है, जब कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था 1990 में, जब कश्मीरी ब्राह्मणों को कत्ल किया जा रहा था, उस समय देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और आपकी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही थी। चलिए मैं उत्तर दे सकता हूँ, थोड़ा दो लाइन में देना होगा, फिर सवाल लेंगे थोड़ा, क्योंकि स्पेसिफिक कश्मीर पर उन्होंने पूछ लिया है। देखिए ऐसा है कि आचार्य जी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो राहुल गांधी ने ही करी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। सवाल लेते पूछो। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यति नरसिंहानंद हो चाहे बजरंग मुनि हो, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इन लोगों के स्टेटमेंट पे अगर बीजेपी के बड़े नेता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री लोग हो, ये लोग ऑफिशियली कंडेम नहीं करते हैं, तो ये लोग एक मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि हाँ हम खतरे में हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। देखिए मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा तो एक ही मापदंड है, जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, दंगाई है, अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो केवल और केवल अपराधी है। और आपने यतिनंद जी की बात करी, हुए अरेस्ट की नहीं हुए, अरेस्ट होके वो जेल की सलाखों के पीछे है। मुनि की बात करी, मुनि ने जो कहा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, उन्होंने कहा, एक मिनट, वो अरेस्ट भी हुए हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा अंजना जी कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको बाहर निकाल के मैं गलत करूंगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी के शेर हैं ना, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं खुद हूं, आप हैं, किसी की इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत कर दे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे। प्लीज सवाल पूछिए, आपको मौका है, माइक इसीलिए दे रहे हैं, आप पूछिए बेरोजगारी पर सवाल। वही तो, बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, तो उसका हमें चांसेस कितना कब मिलेगा? बोलिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बुलाए जाते हैं, जो चर्चा का विषय होता है वो अंजना जी पर, बेरोजगारी पर सर एक सवाल जवाब तो आप। बिल्कुल बोलूंगा, मेरा बात उस पर बुलडोजर चलाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बीजेपी के प्रवक्ता से यही कह रहे हैं, बुलडोजर महंगाई पर, बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी आपने तो मेरी बात काट दी। देखिए विषय जो होता है वो तय चैनल करता है, और कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो बेरोजगारी पे भी हुए हैं, पेट्रोल पे हुए, महंगाई पे हुए। एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़ा दिया था और हमारी सरकार भी देती है। ईपीएफ डेटा सबसे ज्यादा प्रामाणिक डेटा होता है, और उसमें 1,20,00,000 नई नौकरियां, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में, ये पैदा हुई। और दूसरी बात बेरोजगारी दर की, प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है ना, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% है, राजस्थान में 24.5% है। राहुल गांधी जाते हैं महंगाई पे बोलने, बोल के आते हैं हिंदू मुसलमान में राजस्थान पे,
तो अगर हमारी जिम्मेदारी है, हम सुनिश्चित करेंगे हर भारतीय का जो युवा है उसका भविष्य उज्जवल हो, उसको या तो रोजगार का अवसर मिले या नौकरी। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको कोई भी सवाल महंगाई बेरोजगारी पर पूछना है, पूछिए। आज तक ने इसीलिए युवाओं को यहाँ पर बुलाया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा सवाल गौरव जी से ही है। अभी आते वक्त आपने सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा कि लोगों ने, आपने कई मुद्दों पर सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा कि लोगों ने हमें वोट दिया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण किया जाए और ध्रुवीकरण के बाद उसकी सरकार बनाई जाए। ये एक तरीके का साइकिल है कि ध्रुवीकरण हो फिर सरकार बने और उसके बाद फिर कहा जाए कि ये जो किए थे वो सब जस्टिफाइड है। लोकतंत्र में चुनावी जीत आपके हर काम पर मुहर नहीं मानी जाएगी। सवाल प्रश्न किए जाए। मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे भाई एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बात हुई, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 2 साल मुफ्त राशन देने की बात हुई और 25 करोड़ टीके लगे जो सरकार ने लगाए उस पर बात हुई, लेकिन तौकीर रजा कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठा था जिसने ये कहा था कि हिंदुओं को समझ जाओ। तो अगर गलत कांग्रेस पार्टी करेगी सवाल हमसे पूछा जाएगा, और हिंदू अस्मिता के लिए लड़ना सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई ये कहेगा कि हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हिंदू बिल्कुल अपनी अस्मिता के लिए खड़ा होगा, ये भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं 2-3 बातें अभी गौरव जी ने बहुत जोश के साथ कही। पहली बात, महंगाई पे सवाल हो, बेरोजगारी पे सवाल हो, तो उसका जवाब ये नहीं देंगे क्योंकि महंगाई तो चाची है, बेरोजगारी फूफी है, तो उस पे बात नहीं करेंगे। अब ये बात क्या करेंगे? 5% उस पे दीजिए जवाब। गौरव जी प्लीज। जब ये मैंने तो उत्तर दिया, ये मैं टोकना नहीं चाहता। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, एक बार पूछ तो ले, उत्तर तो ले ले। अंजना जी, इसमें क्या गलत है? मेरे हितों की रक्षा कीजिएगा। आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं सर, आप बोलिए। गौरव भाटिया जी से जो भी सवाल पूछो इनसे, देखिए ये सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भारत का भविष्य है, ठीक है? ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, भगवान जानता है या ये जानते हैं, अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी हैं ये हम जानते हैं। इनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर ये कहते हैं कि बेरोजगारी पे सवाल करो तो ये कहते हैं बेरोजगारी है नहीं, तुम्हें लग रही है। नहीं 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 नहीं, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई कहाँ है भाई, महंगाई थोड़ा ही है, महंगाई तुम्हें दिख रही है, फेक न्यूज में दिख रही है, महंगाई नहीं है। ऐसे ही देश में दंगा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, हो नहीं रहा, दिख रहा है। और कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश में जो दंगा करता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिएगा, और जो उसके साथ खड़ा हो उस पर भी कार्रवाई करिएगा। अभी आपने कहा दिग्विजय सिंह जी के फेक तो कह रहे हैं, तौकीर रजा के साथ आपकी पार्टी खड़ी है जिन्होंने जहर बोया उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त। सुनिए सुनिए, गलती किससे नहीं होती, हो सकता हमारी पार्टी ने भी गलती हुई, लेकिन महबूबा मुफ्ती से अलायंस उन्होंने किया। क्या सोच के गले लगा? अंजना जी, अंजना जी देखिए सर, आपसे सवाल पूछिए गलत। अंजना जी प्लीज, अंजना भाटिया, अंजना जी, महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों को शहीद कहती थी। ये जवाब नहीं हो सकता ना बनाया पर। एक सेकंड, बनाया तौकीर रजा पर ये जवाब नहीं हो सकता सर। अरे भाई, अगर तौकीर रजा साहब का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कांग्रेस पार्टी ने अलायंस कर लिया, वो गलती हो सकती है। मैं ये तो, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उन्हें इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी गलती करके अड़ गया। मेरा सवाल ये सर, आपने आपने बोला कि प्रोवोक करना गलत है, तो क्या प्रोवोक करना जस्टिफाई करता है कि आप पत्थर उठाएंगे? ऐसे तो किसी क्रिमिनल को प्रोवोक किया जाए और वो मर्डर कर दे वो भी जस्टिफाई। जवाब दीजिए। देखिए मैडम, किसी को प्रवोक करना भी जुर्म है और किसी के खिलाफ पत्थर फेंकना भी जुर्म है, लेकिन ये हमारा देश इतना खूबसूरत देश है। नहीं, खूबसूरती बाद में देखी जाएगी, पहले सवाल का जवाब दीजिए सर। पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा उनको गानों से उकसाया गया, तो क्या उकसाने पर पत्थरबाजी होगी? वो उन्होंने पत्थर गाने और घर चला जाएंगे, लेकिन उकसाना भी गलत, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जुर्म जुर्म है। किसी मुजरिम की हिमायत करना, किसी कातिल की हिमायत करना उसके बराबर है कि उसके कत्ल करा। कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन लहू तेरे ही खंजर डूबा, ये खंजर जो है आप किसी को मारोगे वो कल आपकी तरफ आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हम कह रहे हैं जुर्म कोई भी करे, मुसलमान, अभी स्वामी जी ने कहा कि वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो देश के कानून को तोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, ये नहीं कि आप दो तरफा आप चलाओगे चाल के, एक के लिए कानून एक के लिए कानून, नहीं, कानून देश का संविधान। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है,
आज उनकी आत्मा को कितनी वो गति होगी कि एक शख्स उनकी आत्मा को उस दिन भी नुकसान होता है जब पत्थरबाजी होती है ना सर, उस दिन भी होता है, उस दिन भी होता है, जब पत्थरबाजी होती है तब भी होता है साहब। आप एक तरफा देखिए, शेरो शायरी करके मामला पलट नहीं जाएगा। जो सवाल है वो कायम है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा कुछ इलाकों से क्यों नहीं गुजर सकती? महिलाओं की इज्जत लूट लेंगे और वहाँ जय सिया राम आप कहीं और ही ले, वो सबसे बड़ा पाप है। जय सिया राम के नारे में क्या प्रॉब्लम है? जी को कितनी तकलीफ, क्या नारे में प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम बलात्कार करके? आपने अभी बोला जय श्री राम के नारे, जय श्री राम लगा रहे थे। जब उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे तो वहाँ जय सिया राम के, अरे जय सिया राम कोई हम यहाँ राम और अजान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता श्री राम ने परिभाषा क्या कही थी धर्म की? धर्म की परिभाषा थी कि लोग का जो इंसान का कर्म होता वही धर्म होता, तो सरकार का यही कर्म है क्या? यही कर्म है क्या आपका? फिर आपसे भी पूछेंगे, आपकी सरकार चल रही है गौरव जी। देखिए, सरकार का जो सबसे बड़ा मूल धर्म है वो ये है कि हमारा जो संविधान कहे उस संविधान का पालन हो। और इसको मैं जोड़ता हूं जो अभी हमारे भाई ने कहा, इन्होंने कहा जो प्रवोक किया जाए, प्रवोक। जब राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर, एक मिनट, क्या नफरत है क्या आपको राहुल गांधी से? हटा दीजिए, इटली भेजिए उनको, पिज्जा खा। इन्होंने सरकार का धर्म पूछा और वो धर्म में बताने जा रहा है। वो सरकार का धर्म बता, जवाब में राहुल गांधी कहाँ से आ गए? मैं बताता हूँ कहाँ से आ गए। मानसिक रूप से मुझे लगता है मुझसे ज्यादा प्रेम राहुल गांधी जैसे गौरव भाटिया जी को है। गुस्सा ही रहते हैं राहुल गांधी पे, आप भी गुस्साने लगे ना। बात सवाल का जवाब दे। देखिए, मैं राहुल गांधी का नाम ले लेता हूँ तो इनको इतना दर्द हो जाता है। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, मेरी छाती 56 इंच की हो जाती है। ये फर्क है लीडर का, ये फर्क है। आपको राहुल गांधी में आत्मग्लानी होती है। क्या आपने कहा कि क्या है हमारा? हमारा जो कर्तव्य है वो एक है केवल, कि सब समान है। और दो चीजें नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई है जनता को। पहली, क्या गंगा जमनी तहजीब जो है ये तभी तक है जब मुसलमानों के ताजिए जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाएं। अगर रामनवमी बनेगी तो पत्थर मारे जाएंगे। दूसरी बात, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर उसे सजा हो जाए और वो मुसलमान निकले तो याकूब मेमन हो, अफजल गुरु हो या कोई हो, तो उसका धर्म सामने आ जाता है। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं करती है सरकार। नहीं, मान लेते हैं कि बहुत से मुद्दे इस तरह के होते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और उद्धव जी से ये सीखने की जरूरत है कि अगर बात सही हो तो एक दूसरे की तारीफ की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तारीफ करने वाले हैं मोदी जी की? देखिए, ये तो उद्धव जी ने खुद भी किए। तलवान घाटी में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी तो उस वक्त उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। और कोरोना वाले मामले में भी जिस तरह के सुझाव और जिस तरह के काम के साथ है कि आचार्य जी के साथ है, समझ नहीं आ रहा है। सही बात के साथ है, है? सही बात के साथ है। शिवसेना ने हमेशा सही बात का साथ दिया है, कभी ये नहीं देखा किसके साथ गठबंधन में है। गठबंधन में होते हुए भी अगर बीजेपी ने कोई गलत बात कही तो उसके खिलाफ बोले हैं, और आज भी गठबंधन में होते हुए अगर कांग्रेस ने कोई गलत बात कही है तो उसके खिलाफ बोले हैं, उसके साथ नहीं रहे हैं। आप धारा 370 को देख लो, सीए को देख लो, और भी बहुत से मुद्दे हैं। जिस जो बात गलत होगी वो गलत होगी और जो सही होगी वो सही होगी, ये कहने का दम तो ये सही कर रहे हैं। ये कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, सही कर रहे हैं गलत? कौन भेदभाव कर रहे हैं? मुद्दे तो ही रहना चाहिए। अगर कोई भी पत्थरबाजी कर रहा है वो गलत है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक बात क्यों हुई? आप मुझे एक बात बताइए अंजना जी। अरे कोई नहीं, एक मिनट, कोई नहीं, ये कश्मीर फाइल्स कोई नहीं, एक मिनट में आप से सेल गोल के पहले एक और ले ले। एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, दीजिए जाने दीजिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, हमने भी तारीफ की उसकी, मगर क्या 8 साल में हम इसे उपलब्धि माने कि कश्मीर फिल्म एक कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छी फिल्म मिली, इसको हम उपलब्धि माने सिर्फ? क्या इससे कश्मीरी पंडितों की आत्माओं को मरहम लग जाता है? अभी इन्होंने कहा 15 मिनट के लिए ओवैसी साहब ने, मिस्टर ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। क्यों नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया? क्यों नहीं उनको इस देश से बाहर किया? अभी तक क्यों आज भी एमपी है इस देश के अंदर? एक तरफ तो ये कहते हैं कि ओवैसी हम हिंदुओं के खिलाफ है, दूसरी तरफ ये उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनके ऊपर यूपी में कोई हमला हो गया तो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, भूल गए, सुरक्षा ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए। ओवैसी जी कह रहे हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो अमित शाह साहब कहते हैं अच्छा, मिली भगत है, नहीं आप ले लीजिए, हमें आपकी चिंता है। आप महाराष्ट्र की बताइए ना सर, वहां पर अगर हनुमान चालीसा राज ठाकरे बना रहे हैं या अमरावती की जो इंडिपेंडेंट एमपी है वो कर रही है,
क्या आपको नहीं लग रहा है कि स्थिति खराब हो सकती है, वो भेदभाव वो खाई और गहरी होगी, सरकार को ही संभालना होगा ना? इस विषय में आपको बता देता हूँ, जैसे एक फिल्म के अंदर स्क्रिप्ट राइटर एक अलग होता है और एक किरदार अलग होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग होते हैं, ठीक इसी मुद्दे पर भी इस सारी स्टोरी का राइटर कोई और है, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और है, तो ये जो खेल पहले ओवैसी के साथ कर रहे थे आजकल राज ठाकरे के साथ, मध्य प्रदेश में सर, महाराष्ट्र में सरकार रोक नहीं पा रही इनके खेल को? नहीं, हम तो रोकेंगे ही और महाराष्ट्र सरकार रोक ही देगी, ये ठीक है अपनी। आप स्क्रिप्ट तो समझ गए एकदम, टन समझ चुके हैं, उसका जवाब किस तरह से देना है, उस पर कार्रवाई कैसे करनी है, ये सब देख रहे हैं, उत्तर अच्छे सोच रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि दो साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बात करते आत्मनिर्भर की, अगर आप हमें दो साल राशन देंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? हमें बेरोजगारी तो रहेगी, हम आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मुफ्त 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 वाली ये दुकान कब तक चलेगी सियासी पार्टियों की? दो तीन सवाल एक साथ जल्दी दे सर। अभी आप लोग अपने बीच की लड़ाई भूल कर या कुछ भी हिंदू मुस्लिम भूल कर एक सीधा सीधा सारे लोग जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी ने जो कोविड के बाद इतनी जो रेट गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो नीचे इतनी रेट गई है, उसके लिए करना क्या है, क्या प्लान है, क्या किया है? पांचों से प्लान पूछेंगे, मतलब कम से कम तीन से। गौरव भाटिया सर से है, गौरव भाटिया सर से कि सर जो है बार बार बात करते हैं तहजीब की, तहजीब की, मैं लखनऊ से आता हूँ प्रॉपर, वहाँ पे है कि पहले आप पहले आप, तो आप ये बताइए सर, आप तहजीब लाने दीजिए, आप ये बताइए बेरोजगारी, उसके बाद इससे स्टूडेंट अगर बात मुद्दा उठाते हैं तो आप इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस घुस कर मारते हैं, जो बच्चे हड़ताल में जाते भी नहीं उनको भी, और पटना में भी, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? रेलवे की नौकरियों को लेकर जिस तरह से लाठी चली थी बच्चों पर। मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से, आपने कहा कि गलती कर सकते क्योंकि आप इंसान हो, तो क्या आप गलती गलती में पाकिस्तान को कश्मीर दे दोगे ये बोल के कि आप इंसान हो? जवाब दीजिए, आप ही से शुरू करते। देखिए, मैंने एक ऐसी फिलॉसफी की बात की है जो सच्चाई है, उसको मैं कहूं या अंजना जी कहें, सच सच रहता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और जो गलती करके क्षमा याचना करे उसको इंसानियत का एक उदाहरण माना जाता है। तो हम इंसान हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले भी कोई आसमान से थोड़ी आते हैं, हम भी मतलब इंसान कोई रिसर्च नहीं करते, अगर आप लोग किससे गले मिला रहे, किसको पार्टी में शामिल करें, कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात अंजना जी गलती हो गई तो उसके लिए हम क्षमा, जनता जनार्दन होती है, अगर हम जनता से क्षमा मांग रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा कि कश्मीर दे देंगे, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, इन्होंने तो लफाजी की है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि पाकिस्तान का इतिहास नहीं भूगोल बदला था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया था। हमें देशभक्ति और शहादत और राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, ना इनसे सीखने की जरूरत है। दूसरी बात है, अभी महंगाई गांधी से राहुल गांधी तक आते आते कांग्रेस किस हाल में है, ये सवाल आपसे पूछूं क्योंकि आपने इंदिरा जी का नाम कई बार लिया है और पूरा देश सम्मान से लेता है, अभी की कांग्रेस की व्यवस्था पर क्या जवाब? अंजना जी, इंतजार करिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जो कल था जो गुप्ता जी भी ताली बजा रहे हैं, जो मैं नहीं नहीं मेरा जवाब जल्दी से जल्दी से जल्दी से छोटा छोटा जवाब अंजना जी, के बाद आप इसमें जरा जरा एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी बता दीजिए तीन लाइन में जल्दी सबसे एक जवाब। जब देश आजाद हुआ था तो इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, इस देश में पंडित नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, अभी की सरकार के पास क्या है सर, सरकार के लीजिए या फिर अंजना जी सरकार कहाँ है कांग्रेस की? राजस्थान की में है, राजस्थान नहीं से पूरे वहाँ भी ऑपोजिशन में। बात ये, राहुल गांधी जिस देश दिन देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तब आपका सवाल बनता है कि राहुल गांधी वर्सेज मोसेस की, मोदी की, तो बच्चे पूछ रहे की सब बताइए पॉलिसी गलत पूछ रहे, अभी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार कांग्रेस के प्रवक्ता है, बात सच्ची है अंजना जी, मैं जवाब बोलने दीजिए अंजना जी, इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, लेकिन इस देश में BHEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एयर इंडिया, तमाम PSU, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किसने किए? कांग्रेस ने किए। इस देश में हवाई जहाज बनना शुरू हुआ, इस देश में रेल बनी, इस देश में पूरे देश में रेल के तमाम लाइन के जाल बिछ गए, लेकिन इन्होंने 8 साल में क्या किया, इनसे सवाल पूछिए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने बनाया, सुनिए, इस देश, इस दिल्ली के अंदर जितने फ्लाईओवर्स हैं ये कांग्रेस की सरकार में बने, इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े IIT सब कांग्रेस की सरकार में बने, इस देश के अंदर एटॉमिक एनर्जी का इजाद कांग्रेस की सरकार में हुआ, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने इस देश को दिया क्या? सर, वो दंगा, प्लान पूछ रहे, नफरत, झूठ, उल्लू बनाना, और इन्होंने इस देश को दी बेरोजगारी। बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स में थोड़ी सी कमी आती है तो ऊर्जा भरने के लिए की बात कर रहे हैं। प्लीज
सवाल जब बीजेपी की डिविसिव नफरत वाली पॉलिटिक्स में कमी आ जाए तो संघ की तरफ से ऊर्जा किसी ना किसी मुद्दे पर मिल जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक सवाल आया था ध्रुवीकरण का। हाँ, कि चुनाव से पहले आप ये बताइए, मुझे बता दीजिए ध्रुवीकरण किसका हुआ, किसका हुआ, कौन सा वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ? 80% अगर हिंदू है उसका ध्रुवीकरण हो गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना चुनाव का, फिर तो जीत गए चुनाव से पहले। ध्रुवीकरण किसका हुआ? आपने तमाम चैनलों पे देखा होगा, जाकर के देखते थे, ढूंढ के लाए। मुझे कहने में कोई नहीं है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हमने इसको वोट देना, इसको वोट देना, ये बात वो ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण वो नहीं। अगर ध्रुवीकरण एक तरफ का हो गया तो बहुत खतरनाक होगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का ध्रुवीकरण हो देश में। जिस तरीके का अगर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हद तक पहुंच रहा है तो वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आपका जवाब, और नौकरी पे भी बताइएगा शिवसेना की क्या पॉलिसी है। देखिए, इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे बेरोजगारी की बात एक बार की, विकास की भी बात की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी है कि जिससे कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन सकता है बिना सरकारी पैसे के, और बेरोजगारी भी हट सकती है, और उस पॉलिसी पर बड़ी जल्दी काम होगा। और आपको जानकारी आप बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं आज मुझे, और आपको मैं भारत सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए, विकास की अगर कोई बात होगी तो बीजेपी, और विकास की कोई भी बात होगी तो सरकार की तरफ से। क्या महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आजान वर्सेस हनुमान चालीसा की बहस देश में छेड़ दी गई है, नैरेटिव छेड़ दिया गया, इसी पर आप देख रहे थे बहस। देखते रहिए आज तक।